अब हम इस क्वेश्चन के जरिए आपके पास जो हमने मेथड पढ़ा है उसका यूज़ करना है, ठीक है। तो देखो आपके पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन में दो ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू टू और टू एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू थ्री, ये आपके पास दो ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसका हम सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। तो देखो आपके पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आव्यूह के रूप में लिखना, ठीक है। देखो सिस्टम कैन बी एक्सप्रेस एज, तो हम इसको आव्यूह के रूप में व्यक्त करने वाले हैं, ये हो जाएगा हमेशा ए एक्स इक्वल टू बी द्वारा ही व्यक्त करना है आपको, ठीक। इसके द्वारा व्यक्त, अब ए और बी क्या होंगे इस केस में, देखो जहां आव्यूह ए होगा इस इक्वेशंस के जो समीकरण का जो आपके पास निकाय दिया हुआ ना, आपके पास ये दो इक्वेशनों का समीकरण का निकाय दिया हुआ, इसमें जो एक्स और वाई के गुणांक हैं उनका आव्यूह कहलाता है ए। तो पहली इक्वेशन में एक्स वाई गुणांक हो गया वन टू और दूसरे में टू और टू, तो ये हो गया एक्स, ये ए हो गया। इसी प्रकार से एक्स होता है चरों का आव्यूह, दो ही चर हैं तो ये हमेशा वर्ग आव्यूह होगा और ये बाकी दोनों क्या होंगे, कॉलम आव्यूह आपके पास, ये हो जाएगा एक्स वाई। और बी होगा जो इक्वेशन में उधर कॉन्स्टेंट्स आए लेफ्ट राइट हैंड साइड में, वो आपके उनका आव्यूह, ये इस प्रकार से। तो ये आपके पास बन गया जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, यानी जो इक्वेशन दी उनको उनको आव्यूह के रूप में लिखा है, ठीक। तो देन सबसे पहले हम देखेंगे इस ये संगत कंसिस्टेंट है या, मतलब जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट यानी संगत है या नहीं, मतलब इस समीकरण निकाय ये संगत है अथवा नहीं, उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे निकालेंगे सारणिक ए का मान। तो आव्यूह ये है तो सारणिक कितना हो जाएगा, वन टू टू टू, तो ये हो रहा है टू माइनस फोर यानी माइनस टू डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका अर्थ हो गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ये क्या हो गया, ये आपके पास संगत आ गया। इसका अर्थ क्या होता है, संगत, ठीक। और इसका एक और अर्थ भी, अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो, इसका अर्थ हो गया कि इसका आपके पास सिस्टम का क्या है, एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। अब इसका क्या आने वाला है, एक अद्वितीय हल भी क्या तो हम निकालेंगे आपके पास, और जब भी आपके पास सारणी के कमाल शून्य नहीं है तो संगत तो है ही, साथ में इसका क्या होने वाला है, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के क्या होने वाला है, एक यूनिक सॉल्यूशन मतलब अद्वितीय हल भी प्राप्त होने वाला है, उसको निकालना है। अब मुझे मालूम है फॉर्मूला जो था, जो फॉर्मूला है वो है एक्स इक्वल टू वन अपॉन सारणी के एडजॉइंट ए इंटू बी, ये फॉर्मूला है। अब मैंने सारणी के तो निकाल लिया है, अब मुझे एडजॉइंट ए और बी, बी तो पहले से प्राप्त है तो एडजॉइंट निकालेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए, अब क्योंकि मुझे मालूम है कि ये द्वितीय कोटि का वर्ग आव्यूह है, तो द्वितीय कोटि के वर्ग आव्यूह के लिए आपके पास जो एडजॉइंट है उसका निकालना बहुत सरल आपके पास है। देखो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, ये द्वितीय कोटि का वर्ग आव्यूह था ए, तो इसका एडजॉइंट हो जाएगा, देखो विकर्ण के अव्यय परस्पर विनिमय, यानी ये टू ये वन, और अन्य दोनों के क्या होंगे, अन्य जो अव्यय उनके क्या होंगे, केवल चिन्ह परिवर्तन। तो ये क्या आ गया, ये आपके पास इसके लिए एडजॉइंट भी प्राप्त हो गया। तो एडजॉइंट निकल गया, सारणी के का मान निकाला हुआ और बी हमको पहले से प्राप्त है, तो अब हम है ना फॉर्मूले का यूज़ करते हुए आपके पास क्या करने वाले हैं, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन ज्ञात करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए देखो आपके पास, तो मैंने वन अपॉन सारणी के एडजॉइंट ए इंटू बी सब प्राप्त है, तो मैंने सारी वैल्यू रख दी आपके पास, ठीक। तो सॉल्व करें तो क्या हो रहा है, देखो सर ये दो पहले आव्यूह गुणा होंगे, तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन टू, ये मैंने माइनस को, ठीक। अब जरा देखना आपको, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आपको मालूम है, पहली पंक्ति पहले कौन से दो दुने, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आपको मालूम है, देखो आव्यूह प्राप्त होगा, मैं सीधे आव्यूह ले देता हूँ सीधे। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पंक्ति को कॉलम से, तो टू टू जा फोर, बीच में प्लस और तीन दुने माइनस छः, देखो ऐसा हो गया। इसी प्रकार अभी पहली पंक्ति से कॉलम गुणा हो गया, अब दूसरी पंक्ति से भी दो दुने माइनस चार, और ये आपके पास जब गुणा होगा तो प्लस तीन, तो इस प्रकार से आ रहा है। तो बस प्राप्त हुआ माइनस वन अपॉन टू एक्स इक्वल टू, ये हो रहा है माइनस टू और ये हो रहा है माइनस वन, और जब इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे तो ये आपके पास हो जाएगा, ये पहले माइनस वन अपॉन टू वन माइनस टू से गुणा होगा तो प्लस वन, और ये हो जाएगा वन अपॉन टू, तो मुझे ये प्राप्त हो रहा है। तो देखो आपके पास इसका सीधा सीधा है, मुझे मालूम था एक्स आव्यूह था एक्स वाई, तो ये इक्वल टू हो गया वन और वन अपॉन टू, तो मुझे आव्यूह के हिसाब से ये प्राप्त हो रहा है। तो इजीली मैं आपके पास इसमें जो आव्यूह के इक्वल होने के जो गुण है उसके आधार पर देखो बाय प्रॉपर्टी ऑफ इक्वल मैट्रिक्स,
एक्स इक्वल टू वन और वाई इक्वल टू वन अपॉन टू, ये आपके पास क्या है, इज यूनिक सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो ये आपके पास क्या है, आपके पास उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्या है, एक यूनिक सॉल्यूशन आपके पास। ठीक।